लर्निंग मेरे को। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HMM के पेपर में ड्रग पिक्चर कैसे लिखना है। तो जब मैं स्टूडेंट थी, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, सो मैं जब स्टूडेंट थी तब मुझे एज अ स्टूडेंट मुझे ड्रग पिक्चर लिखना बहुत डिफिकल्ट जाता था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था यार इसमें लिखा क्या जाता है, इसमें टर्म्स क्या होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी एक एक टर्मिनोलॉजी जो है वो डिटेल में समझाऊंगी और उसके साथ ही ड्रग पिक्चर कैसे लिखना है ये भी आपको इन डिटेल समझाऊंगी। सो ये ड्रग पिक्चर है HMM के पेपर में आता है 20 मार्क्स के लिए और कौन सा भी एक ड्रग पिक्चर हमें लिखना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ड्रग पिक्चर कैसे लिखना है ये बता दूंगी। ऑल्सो अब आने वाली वीडियोस में हम कुछ ड्रग पिक्चर्स भी देखेंगे और अगर आपको कुछ ड्रग पिक्चर चाहिए होगा, किसी मेडिसिन का ड्रग पिक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल्सो फॉर मैं इसके हैंड रिटन नोट्स जो है जो मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और सारे मैं नोट्स पोस्ट करते जाऊंगी इसके आगे। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रग पिक्चर जो है ये 20 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए HMM के पेपर में। सो पहले क्या लिखना है आपको, कॉमन नेम लिखना है, फैमिली लिखना है, प्रूवर लिखना है। आपको हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखना पड़ता, बट 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ता है ड्रग पिक्चर का कॉमन नेम, फैमिली, प्रूवर। ठीक है, अब ये कब लिख सकते हो कॉमन नेम फैमिली, जब वो प्लांट किंग प्लांट रेमेडी हो। अगर वो नोजोड हो या फिर सारकोड हो तो फिर हमको आपको क्या लिखना है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स और प्रूवर लिखना है। अगर वो नोजोड हो, सारकोड हो या फिर कोई अदर सोर्स हो तो ये किससे बना है, उसका सोर्स क्या है और उसका प्रूवर क्या है। अगर वो मिनरल किंगडम से हो तो आपको लिखना है कॉमन नेम, उसका क्या है उस मिनरल का, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और उसका प्रूवर कौन है। प्रूवर तो आपको याद होनी चाहिए। सो मैं आपको कहूँगी कि जितने आपको यू शुड लर्न द प्रूवर एंड द कॉमन नेम ऑफ द रेमेडीज आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद आपको ड्रग पिक्चर का क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोड्यूस करना है कि ये क्या है, इसे पॉलीक्रेस्ट है, ये बहुत यूज रेमेडी है, ये हमारे सर है नहीं मैंने, आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है या फिर वो कैसे प्रिपेयर हुई है उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो वो आपको लिखना होगा उसमें। देन कम्स द क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब ये इस डिजीज में इंडिकेटेड है, एनीमिया में इंडिकेटेड है, गैस फॉर्मेशन में है, गैस्ट्राइटिस में है, ओटाइटिस मीडिया में है। आपको क्लिनिकली उस डिजीज का नाम लिखना है क्लिनिकल में। यू कैन स्किप ऑल्सो क्लिनिकल अगर आपको लगता है तो, बट आप लिख सकते हो ना, आपकी जगह भर जाती है यार, उतने कंटेंट बैठ जाता है। ओके, सो स्पीयर ऑफ एक्शन। सो मैं ऐसे लिखती थी XY रेमेडीज, मतलब आपकी जो भी हो, एग्जाम्पल पल्सेटिला रेमेडी, पल्सेटिला एक्ट्स ऑन और उसके सारे सिस्टम, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पे, फीमेल जेनाइटल पे है, रेस्पायरेटरी पर है, जो जो सिस्टम पर एक्ट करती है वो आपको ऐसे लिखना है। आप ऐसे लिखोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। नेक्स्ट इज द पैथोजेनेसिस, मतलब वो रेमेडी कैसे एक्ट करती है, क्या है उसमें, क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आता है इसमें पैथोजेनेसिस में। देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फिजिकल मेकअप, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पर्सन एज अ होल कैसा है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ ये ना ऊंची है, ये ऐसी बुट्टी है, ये इसको ठंडी बहुत दस्ती है, ऐसे। सो पहले हम देखेंगे फिजिकल में, फिजिकल मतलब फिजिकली पेशेंट कैसा है, उसकी आईज कैसी है, उसका नोज कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, ऊंचा है, लंबा है, काला है, गोरा है, उसके हेयर्स कैसे। सो दिस इज द फिजिकल मेकअप। देन कम्स द टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब मेंटली पेशेंट कैसा है, मेंटली एक्टिव है, बहुत डल है, बहुत चिड़चिड़ा है या फिर बहुत काम है, दिस कम्स अंडर टेम्परामेंट। थर्मल्स मतलब पेशेंट चिली है कि हॉट है। चिली यानी जिसको बहुत ठंडी बजती है, जैसे कि मैं, मुझे बहुत ठंडी बजती है, मैं बहुत ज़्यादा चिली हूँ। और कुछ होते हैं हॉट पेशेंट्स। हॉट पेशेंट मतलब जिनको ज़्यादा ठंडी नहीं बजती, उनको ज़्यादा गर्म होता है, दीज आर द हॉट पेशेंट्स। एंड देन कम्स द मायजम। मायजम सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है। आप मायजम को इन डिटेल आगे जाके स्टडी करोगे। अगर आपको मायजम पर मेरी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं मायजम पर भी वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट कप इज द गाइडिंग
सिम्टम्स। सो गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी गाइडिंग सिम्टम्स अलग से 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। सो गाइडिंग सिम्टम्स में आपको क्या क्या लिखना है उसके एक्सक्यूज मी उसके की नोट्स आएंगे। सारे गाइडिंग सिम्टम्स मतलब सारे सिम्टम्स ही आते हैं, उसमें की नोट्स भी आते हैं। देन कम्स द माइंड, मतलब पेशेंट एज अ पर्सन कैसा है, माइंड सिम्टम्स आएंगे उसके। देन कम्स द एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब कॉजेशन, मतलब उसको ये चीज़ों से तकलीफ होती है। एलिमेंट्स मतलब तकलीफ, एंड फ्रॉम मतलब जिससे, सो जिन चीज़ों से पेशेंट्स को तकलीफ होती है। अब आता है आगे पर्टिकुलर का पार्ट। सो आपको जो पर्टिकुलर्स है आपको एटलीस्ट 4 पर्टिकुलर लिखने पड़ेंगे। कौन से भी इम्पोर्टेंट 4 पर्टिकुलर हमें एक्सक्यूज मी हमें कौन से भी इम्पोर्टेंट 4 पर्टिकुलर लिखने ही पड़ते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट कम्स द जनरल मोडालिटीज, एग्रवेशन एंड एम्यूलरेशन। उसके बाद आएंगे एग्रेशन एम्यूलेशन। देन कम्स द रिलेशंस। तो मैं जो थी तो मुझे तो रिलेशंस ना बहुत हार्ड जाते थे, तो मैं तो रिलेशंस लिखती नहीं थी। सो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट। सो दिस वॉज द ड्रग पिक्चर। होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज यू सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग मेडिकल। सी यू सून, बाय बाय।